के नए तरीके सिखाने, किसी भी एरे गैरे नथु खैरे को सेलिब्रिटी बनाने आ रहे हैं कपिल एज कंट्रोवर्सी क्रिएटर, सरगुन एंड मुबीन एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड कृष्णा एज हिमसेल्फ। हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन। इट वाज अ फैंटास्टिक हैप्पी न्यू ईयर इवनिंग ऑन द दिवाली फेस्टिवल। अर्चना, यू नो आज मैंने स्टैंड अप करने का दिल नहीं कर रहा, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों? हर बार आते हैं हम लोग, सोलो एक्ट करते हैं, दो लाइनें आप पे बोली, दो इन पे बोली, दो पिंकू बोली, यू नो आई जस्ट गॉट द रूटीन बोर ऑफ द फंडामेंटल्स। यू नो मैंने आज सारे पंच इसमें लिख के आया हूँ आपके लिए। घर जाते हुए शूटिंग से इनको ले जाना, ओके? घर जाके पढ़ लेना, ओके? हंसी आए तो ठीक, नहीं तो समझ लेना आप लोगों को पढ़ना भी नहीं आता। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लोगों को हिट करते हैं। ये बरखा मेरे पास आई थी, कहती मेरे को हिट कर दो, फिर मैंने 2-4 लीटर कंट्रोवर्सी करवाई इसकी। मैंने कहा तेरे लिए इतनी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि तेरे को शो से बाहर नहीं निकालेंगे, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी तो है कोई नहीं। मजा नहीं आया, मैंने तो पहले कहा था स्टैंड अप रहने दो। अब तो कोई हमारे पास आते रहते कस्टमर, बस ओह माय गॉड, आई आई आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आपको कैसे पता हम आने वाले? कैसे पता था? और मैं पिछले 8 हफ्ते से क्या शबाना आजमी के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, तेरे मेरे को पता ही था कोई आने वाली है। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरा नाम सरगुन है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? हाँ। लेकिन आपके तो होठ आपस में मिलते नहीं। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे किस करना जरूरी है। तुम कॉन्ट्रोवर्सी पे ध्यान दो, ओके? ओके, करती क्या है आप? मैं एक कॉमेडी सर्कस करती हूँ। किसके साथ? कपिल के साथ। मतलब कुछ नहीं करती? ओके। अरे आप इसका छोड़िए और अपनी कंट्रोवर्सी को बताइए, आपने कोई कंट्रोवर्सी करवाई है? हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी करवाई है, जो अपना हुआ था ना, ये राखी और मीका का जो भी हुआ था, फिर राखी और उसका अपना राहुल महाजन का स्वयंवर, ये भी हम ही लोगों ने करवाया। ये भी कोई कंट्रोवर्सी है? क्यों कंट्रोवर्सी काहे करनी है? उन लोगों का स्वयंवर कराया, 1 साल के अंदर अंदर चैनल बंद हो गया, और क्या होगी कंट्रोवर्सी? अरे कंट्रोवर्सी होती बाबा, हम लोगों ने राखी को हिट करवाया, ये जो किसिंग वाला सीन था ना, ये मैंने क्रिएट किया, मेरे को पता कितनी प्रॉब्लम आई उसमें। क्यों राखी मान नहीं रही थी? अरे राखी तो एक दिन पहले से तैयार बैठी थी, मीका नहीं मान रहा था। कहता भले ही ओमपुरी की पप्पी दिला दो, राखी की नहीं लूंगा। ऐसे बोल रहा था, मैंने अपने मन से थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड, अब मुझे ये बताओ कि आप कंट्रोवर्सी करवाते कैसे हो? देखिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे आपको 6 महीने के लिए हिट होना है तो हमारे लिए मतलब छोटी छोटी कंट्रोवर्सी है, अगर आपको 2 साल के लिए हिट होना है तो आपके लिए थोड़ी सी बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, अगर आपको 5 साल के लिए हिट होना है थोड़ी और बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। सो इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज, यू नो। और हमेशा के लिए? हमेशा के लिए हिट होना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती साले, ऐसे नहीं हिट होता बंदा, हमेशा के लिए कंट्रोवर्सी करेगी। यू शट अप, ओके? ओके। हाँ, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप मुझे कैसे हिट करेंगे, कौन सी कंट्रोवर्सी से? काफी सारे आइडियाज होते हैं। देखिए रैंप मॉडलिंग करी आपने कभी? नहीं पर कर सकती हूँ। आपको क्या करना है, रैंप पे मॉडलिंग करनी है, आपने फैशन फिल्म देखी है ना? हाँ, बस रैंप पे मॉडलिंग करनी है, ऐसे ऐसे चलते चलते जानबूझ के अपना टॉप गिरा देना आपको। हो प्लीज, ये बहुत पुराना हो चुका है, मुझे कुछ नया बताओ। अब एक काम करना, रैंप पे आप ऐसे चली जाना, वहां पे टॉप पड़ा होगा, वहां पे जाके पहन लेना, अलग हो जाएगा। मैं ये कभी नहीं करने वाली हूँ, तुम समझे? मेरी किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ कंट्रोवर्सी कराओ। अरे थोड़ा बहुत एक्सपोज करना पड़ता है, हम लोग तो खुद कभी कभी उठा कर देते, ऐसे नहीं होता। बड़े सेलिब्रिटी के साथ करोगी? हाँ। क्या बड़ा सेलिब्रिटी, अभी सलमान से पर कोई नहीं है। एक काम कर, मेरे पास एक आइडिया है, ईद वाले दिन ना सलमान भाई बाहर आते हैं अपनी बालकनी में लोगों को हाथ हिलाने के लिए, तो तू एक काम करना, पप्पी नहीं करनी, सब लड़कियां पप्पी करती, कुछ अलग कर, पत्थर पे आई लव यू लिख के दे के मार, ठीक है? कंट्रोवर्सी होगी, और नीचे नाम लिखना नहीं भूलना, आई लव यू सलमान खान। कई कई बार सोहेल भाई समझते भीड़ मेरे लिए आई है, तो ऐसा होता है, ओके? लेकिन कुछ भी हो जाए मैं सलमान खान को पत्थर नहीं मारूंगी। तू मारे मारे वो तेरे थप्पड़ जरूर मारेगा। अच्छा सुन, सलमान खान का पत्थर नहीं मारना, वो पत्थर अपने पास रख ले, अक्षय कुमार के घर की बार चली जा, आई लव यू अक्षय लिख के दूर से मार दे, मान गया तो ठीक, नहीं तो समझेंगे जोकर का बदला ले लिया। क्या बोलती है? हम कोई कंट्रोवर्सी बिना पत्थर के नहीं कर सकते। बिना पत्थर के? हाँ। एक काम कर, हाँ, सलमान भाई के पास दोबारा जा, इस बार वेंटी में घुस जा। कितनी खुश हो रही है, अभी वेंटी में घुसी नहीं तू, वेंटी में घुस जा, कुंडी लगा के ऊपर से चिंगम लगा दे, वो हाइजीनिक बंदा चिंगम को हाथ नहीं लगाएगा, ऊपर से मैं पुलिस लेके पहुंच जाऊंगा कंट्रोवर्सी क्रिएट। लेकिन इसके लिए हमारी अलग फीस है, 5 लाख रुपए लगेगा। 5 लाख रुपए? क्यों? लोग उसको अपनी फिल्मों में लगे 250 करोड़ कमा रहे हैं, और मैं अपनी डेब्यू कंट्रोवर्सी में ले रहा हूँ, 5 लाख भी ना कमाऊं। बट यू मीन टू से बाय द फंडामेंटल राइट्स? अरे हम लोग गरीब लोग हैं, इतना बजट नहीं, कोई सस्ती सुंदर टिकाऊ कंट्रोवर्सी बताओ। सस्ती साले मैं कंट्रोवर्सी करता हूँ, मैक्सिंग नहीं बेच रहा हूँ इधर। सस्ती कंट्रोवर्सी कराना, सुन मेरी बात, सस्ती करानी ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, इधर आओ। वो जो राजीव मेरा आता है ना, कौन वाला राजीव मेरा, जो मंत्रा के साथ आता है जबरदस्ती, उसका अभी क्या करते हैं, उसके साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूँ। क्या बोलते हैं? हमको कंट्रोवर्सी करवाना है, बदनामी नहीं करवाना है।
बोल दिया अपना पंचना लेके आया था जो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, वो मोटा जो होममेड थैला जब तेरे को किस करेगा ना, हम लोग वाइट शॉट लेंगे दूर से, ठीक है? अगले दिन पेपर में फोटो छापेंगे, बताएंगे बदमाश लड़कों के पूरे ग्रुप ने आपको किस कर लिया। क्या बोलते हो? वेरी नाइस। लेकिन वो मुझे किस करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने कहता हूँ एक बार देख लो, मुझे तो शक है तुम तैयार होएगी कि नहीं होएगी। मैं तो बोलता हूँ उसी के साथ मनाते हैं तुम्हारा। क्या बोलते हो? और अगर उसने मना कर दिया तो? अरे बाबा नहीं मना करेगा, क्या बात कर रही है, बात तो हो तो गई, एक बार नहीं मना करेगा, वो तो बकरी को भी नहीं मना करता। क्या बोलते हो? नहीं, तुम मेरी किसी लड़की के साथ कॉन्ट्रोवर्सी करा दो, अर्चना के साथ ही करा दो। अर्चना के साथ तेरी जमेगी, बोल रहा हूँ तेरे बाबा, तेरी कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी होगी ना अर्चना के साथ। आइडिया आ गया मेरे पास। क्या? बैठ, जब तू निकलेगी ना अर्चना के बगल में से, झूठ मूठ में बोल देना उधर मीठे चावल बट रहे, मीठे चावल बट रहे, ओके? ये लेने जाएगी उधर मिलेंगे नहीं, पक्का भड़केगी मेरे को पता है। एक बार एक आदमी में क्या हुआ था, किसी ने आके बोल दिया खाना खुल गया, खाना खुल गया, ये गई खाना मिला नहीं, इतना गुस्सा, बाप रे पहली बार देखा इसने टांग पे टांग रख के दूल्हा चीर दिया, पता है? हाँ रियली बोल रहा हूँ सच में। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम मेरी किसी लड़के की शादी करा दो यार। लड़का बाबा आजकल मार्केट में लड़के आ कहाँ रहे हैं? लेट मी थिंक अबाउट द लिटिल बिट। पप्पीदा तो जानती हूँ? हाँ, ही इज अ सुपर नेचुरल स्वीट गाय। अब मैं तो कहता हूँ गाय ही है पूरी, बस दूध नहीं देती वो, देखो इतनी स्वीट आदमी ने, मैं तो कहता हूँ हम लोगों ने बड़े प्रोग्राम किए ना उनके साथ, लास्ट ईयर वी वर इन शिमला टुगेदर, शो चल रहा था, ही सुपर क्यूट, यू नो, शो करते करते सो गए शिमला में स्टेज पे, ऊपर से शिमला इतनी ठंड लगे तो कंबल नहीं था, इतने स्वीट, डाउन टू अर्थ, यहाँ से पेट उठाया उसी को ओढ़ के सो गए। बहुत स्वीट, वेरी स्वीट गाय। पेट ओढ़ के सो गए, उनकी टांगों को ठंड नहीं लगी? अरे वो उनको थोड़ी ना पता पेट के नीचे भी शरीर है उनका, ऐसे थोड़ी उनके साथ करवाए। नहीं 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 प्लीज, तुम किसी और के साथ करवा दो, मेरे को उसके साथ नहीं करनी। किसके साथ करवाए बाबा? ये तेरे बॉयफ्रेंड क्या करता है? ये ना बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, इधर रियली वाओ करके दिखाना, ट्रेन की मिमिक्री करके करके दिखा, ट्रेन की मिमिक्री कर, वाओ वाओ रियली वेरी ग्रेट। एक काम कर, यही ट्रेन पकड़ और निकल, चल साले थप्पड़ मार के मुंह तोड़ूंगा तेरा मैं। देखो तुम इसे इंसल्ट मत करो, ये अजय देवगन की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, करके दिखाओ रियली। हाँ निकाल दे। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का बाजीराव सिंघम, मेरी जरूरत है कम इसीलिए मेरे जमीर में है दम। तू क्यों निकालता उसकी आवाज, वो ठीक नहीं निकालता क्या? एक बात सुन, ये जो दो आवाजें तूने इससे निकलवाई हैं, हाँ। अगर तू खुद याद करके आ जाती तो बेचारा रेस्ट कर लेता आज, थक गया होगा, तू भी रेस्ट कर ले, थक गई होगी गंदे गंदे डायलॉग बोल के। क्या बोलती है? तुम्हें पता है क्या, तुम सिर्फ यहाँ पे लोगों की बेइज्जती कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। चलो बॉयफ्रेंड, यहाँ से चलो। इधर देख, तुम लोग जाना नहीं, मेरे दर पे आयो, कुछ करके भेजूंगा, या तो लड़के भेजूंगा, तेरे तो छत्तर मार के भेजूंगा। ए सुन, मेरी नजर में एक सॉलिड आइडिया है। बताओ। कॉमेडी सर्कस देखती हो ना? हाँ। तुम तो आती है उसमें, कृष्णा को जानती हो? द ग्रेट लस्टी गाय। वो जरूर करेगा तेरा कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तेरे को कुछ नहीं करना, अब हम लोग जंगल में जाते हैं, शेर के सामने आते हैं, हम लोग थोड़ी ना कुछ करते, शेर करता ना तो ऐसे ही वो अपने आप करेगा, समझदार लड़का है। कराऊं तेरे उसके साथ कंट्रोवर्सी? हाँ। अभी लेके आता मैं कृष्णा को, चल बैठ ले, निकलते डार्क आउट करो भाई। कौन है मेरी बहू में? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस? तो फिर ये पूर्वी जोशी कौन है? ओए, मैं फिल्मों में काम मिलने से पहले वाली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, बाद वाली नहीं। वैसे मैंने सुना तुमने बहुत सारी लड़कियों को ब्रेक दिया है, मुझे भी दो ना। बहुतों को दिया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। वैसे मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना सकता हूँ, आओ मेरी बाहों में। मुझे स्टार बनना है, मानी बनना है। पंच मारे, मानी बनना है। अरे बाहर जा, पब्लिक को क्या मुंह दिखाएगी, कम से कम कॉमेडी सर्कस से कुछ तो बन के जाएगी। You behave yourself. Cool, cool, baby, cool. Let's have some wine, darling. Wine? हाँ, सोहेल बाना हमको सिखा। When we'll have wine, you'll be mine. And then, 9 महीने, they are 9.
And everything will be fine. Come on. देखो मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है. तो क्या हुआ? किसी और के गैस पे हम दूध नहीं उबाल सकते? What is this happening in the front of mirror? Hey, ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है? क्या? मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ. साले तेरी बात कर रहा है ये. तेरे को एक बात बताऊँ मैं? जिस चीज के लिए जितना लालच करता ना आदमी भगवान उतना दूर रहता उस चीज से. तो जितना मरता ना लौंडियों पे उतना भगवान ने 4 साल से तेरे को अंकल दिया हुआ सुदेश. तो ऐसे सही रहता है. हाँ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए. तू बीच में क्यों बोल रहा है? जब दो बड़े स्टार आपस में बात करें तू अपना सिंह दाना बेच जाके. और शर्म नहीं आती तेरे को मेरी पार्टनर के साथ ये सब कुछ कर रहा है? अच्छा, आटा गूंदे हम, रोटियां पके तेरे तंदूर पे. वाह, मैं इसके पास नहीं आता, ये मेरे पास आई थी. क्या, ये तुम्हारे पास गई थी? साले दो स्टार बात कर रहे हो, बीच में नहीं बोलने का. बोला ना तेरे को जाके चला बैठा. क्या मैं बड़े दिनों से ये काम करने की सोच रहा था, तू आया? तूने ये प्रथा शुरू की, मैं जारी रखूंगा. हाँ, इसका तो मेरे को पहले से ही पता था. ये तू नहीं पे, ये है ही ऐसी. पता है मेरे को पता क्या बोलती है? मेरे को बोलती है जैसे गर्मी में आम खा लो ना तो पिंपल निकलने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे जब बारिश होती मेरे को घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता. देखो तुम वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे मीडिया लाने वाले थे ना, हम कॉन्ट्रोवर्सी करने वाले थे. क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे? कंट्रोवर्सी. हाँ, कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी उसी दिन होगी थी जिस दिन चैनल ने तेरे को मेरे को सौंपा था. बढ़िया थी. तुम दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की. साले मेरे पे कंट्रोवर्सी करके तुम लोग फेमस होना चाहते हो? अरे मेरे को बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में मैंने. अरे ऐसे आदमी फेमस नहीं होता. 40 भोजपुरी फिल्में की मैंने, मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई फेमस नहीं हुआ मैं. फिर मैंने कई सारे डांस रियलिटी शो किए, फिर भी मैं फेमस नहीं हुआ. लेकिन जब मुझे ये शो मिला कॉमेडी सर्कस, इस शो ने मुझे एक पहचान दी है, एक पहचान. हाँ, तब जाके लोगों ने पहचाना कि ये है गोविंदा का भांजा. मेरे को गुस्सा मत दिला रहा तू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ. तूने मेरे को कुछ कहा, तेरे को तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसका मुक्का मार दूंगा मैं. अबे ओए अलबेलू. क्या है? मैंने तो फिर भी बोल बच्चन की है. हाँ? तेरी पिक्चर कब आ रही है शेर खान? सोहेल भाई बेचारा पागल हो गया, क्यों आपने बोला यार ऐसा? पब्लिक में लोग पूछते रहते शेर खान कब आ रही है, शेर खान का. मैं तो बोलता हूँ थोड़े से पैसे खर्चे करो, सिर्फ इसके पोर्शन शूट कर लो यार. हाँ, उसकी डीवीडी इसको दे दो, बच जाएगा बेचारा. भाई आजा. तो माय लॉर्ड कैसा लगा हमारा एक्ट? माय लॉर्ड तेरा क्या लगा? मैं साले दो ढाई लाइनें बोली, ढाई लाइनें उतार, निकल यहां से. सोहेल विल स्टार्ट विद यू दिस टाइम. थैंक यू सोहेल भाई. व्हाट अ सुपर्ब एक्ट. दैट्स इट. फैबुलस. या अर्चना, जिस मंच पर कपिल और कृष्णा एक साथ हो उस मंच पर अगर आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? मोबिन, यू आर ऑल्सो वेरी गुड. सरगुन, यू ऑल्सो. बट लेकिन कपिल एंड कृष्णा, यू बोथ आर डायनामाइट. नो मोर वर्ड्स बट दिस. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.